Good morning, how are you all? I hope you are all fine. Today is my topic Count and Matchups for class LKG. I am making some pictures and shapes in this work and this. इस नंबर्स सो हमें बच्चों से काउंट करवाने हैं पहले इन शेप्स को देन इधर से फाइन आउट करवा के मैचअप्स करवाने हैं दिस इज़ टू डेज एक्टिविटी ओके तो जैसे कि मैंने यहाँ शेप्स दे रखी स्टार्स की ट्राइंगल सर्किल स्क्वायर, रेक्टेंगल हार्ड ओवल तो इनसे बच्चों को शेप्स भी लर्न होएगी एंड इनको काउंट करना है एंड मैचअप्स करना देन अगेन मैं आज फिर बोल रही हूँ हम बार बार इन नंबर्स को इसलिए रिपीट करें देन जो बच्चा भूल चुका है रिकोगनाइज करना काउंटिंग तो वो उनको रिपीट होगी लर्न होगी जितना हम वन टू टेन वन टू ट्वेंटी के बीच के लेटर्स को हम लर्न करवाएँगे उतना बच्चों के लिए अच्छा होगा सो टुडे इज़ स्टार्ट दिस वर्क वन टू थ्री फोर फाइव बच्चों को बोलेंगे यहाँ से फाइंड आउट करो फोर फाइव ओके ना मैच फाइव नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर बच्चों को बोलेंगे यहाँ फाइंड आउट करें बच्चे कहेंगे यस दिस इज़ फोर तो हम फोर पे मैच करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टू सेवन सेवन पे मैच करेंगे वन टू टू ये रहा बच्चे यहाँ से यहाँ टू पे मैच करेंगे वन टू थ्री सिक्स वन थ्री तो थ्री का है ये रहा तो थ्री पे मैच करेंगे यस वन वन अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स पे इसको मैच करेंगे तो ये एक्टिविटी काउंट एंड मैच जैसे मैंने काउंट एंड राइट करवाया था एक वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सर्किल द काउंट फिर ये है काउंट एंड मैचअप्स उनको काउंट करना है एंड मैच करना है इनसे क्या होगा बच्चे अच्छे से हर चीज़ को रिकोनाइज़ करेंगे नंबर्स को एंड शेप्स को लर्न करेंगे और उनकी लर्निंग पावर अच्छी होगी उनकी रिकनोनाइजेशन अच्छा होगी जितना अच्छे नंबर से रिक्नोनाइज होंगे उतना ही आगे जाके उनको काउंटिंग सीखने में टेबल्स करने में हर चीज़ में उनको हेल्प मिलेगी तो मैं बार बार इसीलिए छोटे-छोटे वर्कशीट्स लेके आ रही हूँ ताकि बच्चे अच्छे से रिकनोनाइज करें और अच्छा सा ही वर्क सीखें तो देन आज का वर्क है इनके लिए काउंट एंड मैच तो ये आपको वन या टू पेज जितना भी आपको अच्छा लगे जिस तरीके से आपको अच्छा लगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स दे के शेप्स बनाने तो आप डबल शीट बड़ी शीट लेके उस पर करवा सकते हैं बिग साइज़ की कोई कॉपीज़ लेके उस पर आप शेप्स बनवा के करवा सकते हो तो किसी भी तरीके से आप बच्चों को ये करवाएँ दैन वो बहुत ईजीली करेगा क्योंकि बहुत ईजी है ज़्यादा लिखने का काम नहीं है so, सो और रिक्नोनाइज भी अच्छे से होगा तो आपको ये वर्क आज के डेट में करवाना है। हैव हैवे नाइस डे एंड बाय